नमस्कार, मैं आरती शर्मा जन समय न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। दुष्कर्म के आरोपियों को भेजा न्यायिक हिरासत में। बांकरा रोड रेलवे परिसर से रेलवे प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 एवं विधिक सहायता के संबंध में जालोर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक। जालोर मुख्यालय पर स्काउट गाइड द्वारा ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर में दिए जा रहे हैं कई प्रशिक्षण। चितलवाना उपखंड क्षेत्रों में ओवरफ्लो पानी से हुआ मार्ग अवरुद्ध। सायला के बाईपास से मोटा अलर्ट तक ग्रेवल सड़क का कार्य शुरू। सांचौर क्षेत्र के अमृता देवी उद्यान में कर्मचारियों द्वारा घायल हिरणों का उपचार। तेरणा गांव में सती लखुदे माता व जुंजार जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। श्रीमाली समाज ने भीनमाल में धूमधाम से मनाया पाटोत्सव। जसवंतपुरा में सेन जी महाराज का भक्ति महोत्सव। सांचौर के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या। अब समाचार विस्तार से। दुष्कर्म के आरोपियों को भेजा न्यायिक हिरासत में। जालोर के सिरे मंदिर रोड पर रविवार रात 13 वर्षीय बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना ने आम जन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। आज दुष्कर्म के आरोपियों को चिकित्सकीय जांच करवाकर सेशन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती पीड़िता ने जालोर संवाददाता सोमशेखर शर्मा को बातचीत में बताया कि दुष्कर्मियों ने बहला फुसला कर जबरदस्ती उसे जालोर लाकर दुष्कर्म किया। बांकरा रोड रेलवे परिसर से प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण। बांकरा रोड रेलवे परिसर के अंदर लारियों और केबिन वालों ने लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। इस संदर्भ में वहां के रेलवे अधिकारियों द्वारा उन्हें कई बार समझाने की कोशिश भी की गई, किंतु ये लोग टस से मस नहीं हुए। अतिक्रमण को लेकर रेलवे ने उनको नोटिस भी दिया, मगर वे लोग वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार आज सवेरे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए रेलवे परिसर से लारियों और केबिनों को हटवाया गया। इस दरमियान लारियों और केबिन मालिकों का विरोध भी हुआ। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस भी मुस्तैद रही। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 एवं विधिक सहायता के संबंध में जालोर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक। जालोर एडीआर भवन में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर एलएन सोनी, पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, पूर्णकालीन सचिव पवन कुमार काला, लोक अभियोजक अभिताप सिंह व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश कुमार सोलंकी सम्मिलित हुए। बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत प्राप्त आवेदनों एवं न्यायालय द्वारा निर्णयों के दौरान पीड़ितों के हक में प्रतिकर मंजूर करने के संबंध में की गई। अनुशंसा से संबंधित प्रकरणों पर विचार कर कुल 7 लाख रुपए की प्रतिकर के रूप में पीड़ित आश्रितों के पक्ष में मंजूर की गई। स्कीम के तहत पीड़ित अथवा पीड़ित के संरक्षक या आश्रित को अपराध के परिणाम स्वरूप हुई हानि के प्रतिकर स्वरूप आर्थिक सहायता मंजूर की जाती है। इस स्कीम के तहत अंतरिम प्रतिकर के रूप में राशि मंजूर किए जाने के प्रावधान हैं। जहां पीड़ित पक्ष बच्चे हैं, वहां 50% तक अंतरिम राशि एवं अन्य मामलों में 25% तक की अंतिम राशि स्वीकृत की जाती है। बैठक में निशुल्क विधिक सहायता के प्राप्त आवेदनों के संबंध में भी निर्णय लिया गया। ऐसे व्यक्ति जो महिला, बच्चे या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1,25,000 से अधिक नहीं हो या कोई व्यक्ति जो न्यायिक अभिरक्षा में है, वे निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र है। जालोर मुख्यालय पर स्काउट गाइड द्वारा ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर में दिए जा रहे हैं कई प्रशिक्षण। राजेंद्र नगर विद्यालय जालोर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वावधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर में कौशल निखार प्रशिक्षण के तहत सिलाई, आर्ट एंड क्राफ्ट,
स्पोकन इंग्लिश, नृत्य, सौंदर्य निखार तथा मेहंदी जैसे प्रशिक्षण विषय दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीईओ गाइड निशु कंवर ने बताया कि यह शिविर 11 मई से 21 जून तक चलेगा तथा 11 जून को एक दिवसीय शैक्षणिक शिविर व विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें अव्वल आने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर श्रवण काबावत, मोटाराम राव, प्रकाश चंद्र, मेंदू हुसैन सहित कई प्रशिक्षक उपस्थित थे। चितलवाना उपखंड क्षेत्र में ओवरफ्लो पानी से मार्ग हुआ अवरुद्ध। चितलवाना उपखंड मुख्यालय के रामपुरा से सायड़ा जाने वाले मार्ग पर लूणी नदी में नर्मदा नहर का ओवरफ्लो पानी भर जाने से आवागमन की समस्या बनी हुई है, जबकि कुछ ही दिनों में विद्यालय खुलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सायला के बाईपास से मोटा आरट तक ग्रेवल सड़क का कार्य शुरू। सायला उपखंड मुख्यालय के पास मोटा आरट गांव तक के मार्ग में आए कृषि बेरो के ग्रामीणों ने सायला सरपंच सुरेश राजपुरोहित से मिलकर आवागमन की समस्या से अवगत कराया था। इस पर सरपंच राजपुरोहित ने पंचायत में प्रस्ताव रखकर पंचायत समिति बाईपास रोड से लेकर मोटा आरट तक 2 किलोमीटर तक ग्रेवल सड़क का निर्माण को स्वीकृत करवाया। मंगलवार को सरपंच सुरेश राजपुरोहित मौके पर पहुंचकर विधिवत रूप से ग्रेवल सड़क का कार्य शुरू करवाया, साथ ही ठेकेदार को पूर्ण मापदंड के साथ गुणवत्ता युक्त कार्य करने के निर्देश दिए। किसानों ने इस कार्य के लिए सरपंच का आभार जताया। इस मौके पर उप सरपंच विक्रम सिंह, खीमाराम माली, गेवाराम चौधरी, कोल सिंह दहिया, पीराराम चौधरी सहित कई किसान मौजूद थे। सांचौर क्षेत्र के अमृता देवी उद्यान में कर्मचारियों द्वारा घायल हिरणों का उपचार। सांचौर में स्थित अमृता देवी धवाणा के वन विभाग में कार्यरत कर्मचारी भगवती, पीराराम व पुनमा राम ने घायल हिरणों का इलाज किया। विभाग के कर्मचारी वन क्षेत्र में भी हिरणों के बच्चों सहित अन्य जीव जंतुओं की भी देखभाल व सेवा करते हैं। सेरणा गांव में सती लखुदे माता व जुंजार जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। विराणा के निकट सेरणा गांव में अखिल भारतीय देवासी सावदरिया गोत्रीय परिवार की ओर से सती लखुदे माता व जुंजार जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मंगलवार को लाभार्थी परिवार द्वारा प्रतिमा स्थापन के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर जालोर के पीर श्री गंगानाथ जी महाराज, गोल महंत रावत भारती जी महाराज, वालेरा महंत पारस भारती जी महाराज, लेटा भैंसवाड़ा महंत रणछोड़ भारती जी महाराज सहित साधु संतों का पावन सानिध्य रहा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। इस मौके पर सोमवार रात्रि भजन संध्या का आयोजन हुआ तथा मंगलवार को महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। श्रीमाली समाज ने भीनमाल में धूमधाम से मनाया पाटोत्सव। भीनमाल के सदर बाजार व धोरा ढाल में स्थित श्रीमाली समाज की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी मंदिर के शिखर पर सोमवार को ध्वजा चढ़ाकर धूमधाम से पाटोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष शेखर व्यास ने कहा कि पाटोत्सव के दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न गली मोहल्लों से निकलते हुए महालक्ष्मी मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा के पश्चात सदर बाजार में पाटोत्सव के लाभार्थी हीरालाल दवे परिवार द्वारा महालक्ष्मी जी की पूजन आरती कर मंदिर शिखर पर गाजे बाजे के साथ ध्वजा चढ़ाई गई। वहीं धोरा ढाल स्थित महालक्ष्मी मंदिर में समस्त ओजा कौशिक गोत्रिद्ध द्वारा पूजन आरती की गई व भवरलाल बोहरा परिवार की ओर से मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। पाटोत्सव के दौरान श्रीमाली समाज के गुरुवर श्री 1008 श्री मनसुख नंद जी महाराज की समाधि पर पूजा अर्चना कर ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद के साथ आसपास के गांवों से भी भारी संख्या में समाज के लोगों ने शिरकत की। जसवंतपुरा में सेन जी महाराज का भक्ति महोत्सव।
सेन समाज दिलावटी पट्टी द्वारा जसवंतपुरा में सेन जी महाराज के नाम पर भक्ति महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें 5 जिलों के सेन बंधुओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिनेश कुमार, विक्रम चेकला, राजू, जगदेश व किशोर सेन का विशेष योगदान रहा। सांचौर के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या। सांचौर संवाददाता ओम प्रकाश पंवार की रिपोर्ट के अनुसार सांचौर क्षेत्र के जाखल, डेडवा, कारोला, धमाणा का गोलिया, वोडाखारा सहित दर्जनों गांवों में पानी की समस्या बनी हुई है, जहां निजी टैंकरों को मनमर्जी के पैसे देकर पानी मंगवाना पड़ रहा है। गांव में बनी टंकियां भी सूखी नजर आ रही है, वहीं अत्यधिक गर्मी से पशु भी बेहाल नजर आ रहे हैं, जबकि जलदाय विभाग के कर्मचारियों की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है और भामाशाहों द्वारा पानी मंगवाकर पशु पक्षियों की प्यास बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि करीबन 1 माह से पानी की समस्या बनी हुई है, परंतु जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और अंत में मौसम विज्ञान की खबर। बादलों की आवाजाही के कारण आज पारे में गिरावट देखी गई, जिसके कारण आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की समाचार खबरों में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।